आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज एक बड़ी व अहम बैठक की गई, जिसमें कि कोरोना वायरस को देखते हुए 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ बड़े व अहम निर्णय लिए गए हैं। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, आखिरकार 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा का पेपर बनाया जाएगा तो कैसा बनेगा, अगर कोरोना काल में बोर्ड पेपरों को कराया जाएगा तो 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा की टाइमिंग क्या रखी जाएगी, वह 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाएं कैसी होंगी, वह आप सभी का पेपर किस प्रकार बनने वाला है, वह आप सभी की अन्य भी जानकारियां 10वीं बारी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आप सभी को वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताएं, लगातार भारत देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं लगातार कोरोना का ग्राफ में उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं फरवरी के यानी 2 फरवरी को कोरोना की तीसरी पीक की आशंका जताई जा रही है। जी आप सकते हैं कि WHO ने भी भारत को हाईलाइट पर कर दिया है और ऐसे में लगातार डॉक्टरों के द्वारा हाईलाइट के द्वारा वह चेतावनी दी जा रही है कि भारत में तीसरी पीक की आशंका जो है 3 फरवरी से है। ऐसे में WHO ने भी आशंका जताई, वहीं डॉक्टरों के सलाहकारों ने भी भारत को हाईलाइट दिया, लेकिन फिर भी सरकार ने 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं कराने को लेकर हाँ ही भर दी है। हालांकि अभी डेंट अलाउंस नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप सभी का 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा अगर होती है तो आप सभी का पेपर कैसा बनता है, आप सभी को हम इस वीडियो में सिर्फ यही जानकारी देने वाले हैं। बाकी अगर आप सभी को जानकारी जाननी है कि बोर्ड परीक्षा हो अथवा न हो तो उसके बारे में आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिससे कि लेकर आपके लिए नया अपडेट हम लेके आएंगे। दोस्तों आप सभी को बताएं, अगर कोरोना काल में 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाएं होती हैं या फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो दोस्तों आप सभी को बताएं, आप सभी का कुल मिला के बोर्ड परीक्षा अगर ऑनलाइन होती होंगी तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे, यानी आप सभी के लिए सिर्फ बहुकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे अगर ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा होती है तो, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है तो ऐसे में ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा हो सकती है। और ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा होंगी तो मात्र आप सभी को 40 मिनट दिए जाएंगे, 40 मिनट के अंदर आप सभी को बोर्ड परीक्षा का पेपर संपन्न करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। वही अगर ऑफलाइन कराए जाते हैं, हालांकि लगातार पढ़ रहे हैं कोरोना को देखते हुए ऑफलाइन करा पाना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन आप सभी को बताएं अगर ऑफलाइन होते हैं तो आप सभी को मात्र 70 मिनट जाएंगे, 1 घंटा 10 मिनट दिए जाएंगे आप सभी को ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा के लिए। पेपर काफी छोटा काफी सरल बनेगा, लेकिन आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप पूरी तरीके से याद नहीं, पूरी किताब से आप सभी का पेपर भले ही सरल बनेगा, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर की संख्या कम होगी अगर ऑफलाइन होते हैं, लेकिन अगर पेपर तो छोटा बनेगा सरल बनेगा, लेकिन आप सभी तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी पूरी किताब से याद नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आप सभी को बताएं, आप लोगों को बताएं पेपर सरल बनना छोटा बनना। इस बार अच्छी मात्रा में छात्र छात्राएं पास भी किए जाएंगे, फिर चाहे ऑनलाइन परीक्षा हो या फिर ऑफलाइन हो। आप सभी का रिजल्ट को 8 जून से पहले ही घोषित करना है, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लागू करना है, वही नई परीक्षा आपके नई जो आप सभी का कोर्स है उसे स्टार्ट कराना है, तो इसके लिए सरकार को यह करना जरूरी होगा। तो ऐसे में आप सभी को बताएं, आप सभी का पेपर अगर सही बात में अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, इस बार आप पूरी तरीके से कोरोना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सभी को बताएं, 2021 में सही रूप से पढ़ाई नहीं हो पाई, छात्र छात्राएं स्कूल नहीं गए, ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो ऐसे में आप सभी के पास सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप सभी अनसॉर्ट से पढ़ाई करें। दोस्तों आप सभी को बताएं, जैसे कि जनवरी नजदीक आ रही, दिसंबर का महीना बीतने में है, वही आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं मार्च के महीने में प्रारंभ कर दी जाती है, जब फरवरी से मार्च के बीच में बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होगी, यानी कि आप सभी का टाइम आ गया, अभी तक सरकार ने डेट की अलाउंस नहीं की।